भिंड जिले में पिछले वर्ष आई सिंध चंबल और कुआरी नदी की बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचाई थी, जिसमें लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, पर बाढ़ की तबाही ने उनसे रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया था। मामला जिले के श्यामपुर गांव का है, जहां श्यामपुर में सड़क नहीं होने से ग्रामीण पहले से ही परेशान थे और बाढ़ की भीषण तबाही से गाँव जल समाधि ले चुका है। आपको बता दें कि गाँव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। जैसे तैसे लोग अपनी जान बचाकर ऊंचे स्थान पहुँच रहे हैं, मगर एक साल बीतने को है और सिंध नदी में जल स्तर बढ़ने लगा है। ग्रामीण बाढ़ की पुरानी तस्वीरों को याद कर भयभीत होने लगे हैं, मगर शासन प्रशासन ने अब तक उनकी सुध नहीं ली है। विधायक वगैरह सब लोग आए थे, कह गए थे हम ये व्यवस्था करेंगे, वो करेंगे गांव में। आज बच्चों के लिए करने के भी रास्ता नहीं है, मेरे लिए नदी भी आ रही है, फिर दोबारा से नदी आने लगी। बच्चों को बड़ी मुश्किल से तो यहाँ रोड पे तक ले जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। जब पिछली बार बाढ़ आपदा आई तो ऐसे जगहों को चिन्हित करके हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जगह जगह जाकर उनका भ्रमण किया था और सारी विस्तृत जानकारी हमने कलेक्टर भिंड को भी अवगत कराने का काम किया था। देखिए, उसमें जहाँ तक हमको जानकारी है कि सड़क का मामला बहुत गंभीर था, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं, कच्चा रास्ता था, तो वो बजट में आ चुका है। अब उनकी जो भी प्रक्रिया होती है विभाग की, वो उसके अंतर्गत है, प्रोसेस में। इस बार पहले से ही पूरी तैयारी जिला प्रशासन की है, कलेक्टर साहब ने जगह जगह इसकी समीक्षा बैठक भी ली हैं और दो दिन से इसके लगातार बैठक चल रही है। खैरा श्यामपुरा में जो आप रोड की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड है और समय से पहले इसको पूर्ण कराया जाएगा।